गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम टू क्लास नंबर 22। इन प्रीवियस क्लास मुझे एग्जांपल गोटे देखी थी जे गोटे सिलिंडर गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस डायरेक्शन ले गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रहिले ए टोटल फ्लक्स लीक होतला जीरो तम देखी थी सेरा गोटे एग्जांपल थला। आउ गोटे एग्जांपल गोटे देछि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सिक्स फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ एल इफ ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट चार्ज रखिबा इफ इन सेंटर सेंटर रखिबा एवं सेंटर रहिबा द्वारा आउ गोटे बी रहउछि वन ऑफ इट्स वर्टिस वर्टिस रे जो भी चार्ज थिबो ताल टोटल फ्लक्स केते लिखो तेनालीर ये एग्जाम्पलटा तुम मैं लिखिदि ठीक अच्छे कौन कौन ची ए देख सेंटर हूँ ये क्यू रखा जो टोटल चार्ज क्यू है इनसाइड भितर क्यू भितर इनसाइड क्यू चार्ज हो टोटल फ्लक्स लिंक कहती हा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो ठीक अच्छे से क्वेश्चन कहला फेस रे बाहर कर ईच ऑफ द सिक्स फेसेस फेस रे केते बाहर कर तल टोटल फ्लक्स जी लिंक है क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो तल टोटल फेस केते एक दो तीन चार पाँच छः क्यूब्रे क्यूब तो ना क्यूब्रे छा फेस छा फेस को फ्लक्स लिंक कला क्यूब एप्सिलॉन जीरो इच फेस के ये लिखा सिक्स फेसेस फ्लक्स लिंक क्यूब एप्सिलॉन जीरो इच फेस के देखा तो इच फेस इज इक्वल टू क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन जीरो ठीक अच्छे एटा हूँ ए सेम बी रहा पड़ा भर्ती से ठीक अच्छे बी रे कौन करवा टोटल कर्नर के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तम टोटल फ्लक्स लिंक हो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो आठटा कर्नर को एट कर्नर एट कर्नर फ्लक्स लिंक एट कर्नर फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो तब ईच कर्नर कितना हो ईच कर्नर इज इक्वल टू क्यू बाय एट एप्सिलॉन जीरो बुझे ना यदि वर्टिस रे रहउची तले वर्टिस मान को डाइटा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यदि वन ऑफ जी वर्टिस रे रहउची तले तुम कर्नर रे यदि क्यू बाय एट एप्सिलॉन जीरो रहउची तले तले फेस रे केते फ्लक्स लिंक हो कि जानिबा आउ थ फिगर करवा सपोज एक कर्नर रहा चार्ज के ना क्यू बाई एट एप्सिलॉन जीरो ठीक अच्छे जदि से क्यू बाई एट एप्सिलॉन जीरो रहा एई चार्ज पाई एई कॉर्नर पाई टोटल फ्लक्स लिंक केता हो से क्वेश्चन मागी छी केवल एई कॉर्नर रे जदी चार्ज रहछि q / 8 एप्सिलॉन जीरो तल फ्लक्स केते लिंक हो इन भाग करबा देखो सपोज एटा फेस केतबा छटा मन करा जे एटा होछि एक नंबर फेस एटा होछि ता अपोजिट ता होछि 2 नंबर फेस एपोटा होछि 3 नंबर फेस
सेपटा हो चार नंबर फेस ठीक अच्छे ऊपरटा हो पांच नंबर फेस ऊपरटा तलटा हो छ नंबर फेस ठीक अच्छे देख पांच नंबर फेस रो पांच नंबर फेस रो एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो ठीक अच्छे तीन नंबर फेस रो सॉरी एक एक दो तीन चार चार नंबर फेस रो एरिया डायरेक्शन हो ठीक अच्छे अच्छा एक नंबर फेस रो एक नंबर फेस रो एक नंबर फेस रो एरिया डायरेक्शन हो कड़े से पांच नंबर फेस रो जस्ट एटा तो क्यूब नुहे कि भावटा क्यूब सपोज एट रोच चार ठीक अच्छे एट जी कर्णर चार्ज रोच यार यार यहाँ हूँ पांच नंबर टा एक नंबर हूँ यहाँ यहीपटा चार नंबर हूँ यहाँ तमें पांच एक चार पांच एक चार ठीक अच्छे यार एरिया वेक्टर डायरेक्शन इे यार एरिया वेक्टर डायरेक्शन इे यार एरिया वेक्टर डायरेक्शन इे ठीक अच्छे कि चार्ज हो कर्नर तार एट प्लस के लिंक हम जीरो प्लस लिंक हम कारण देखा प्लस लिंक फेस फेस कत नंबर पांच नंबर एक नंबर चार नंबर लिंक हम कारण चार्ज ये अच्छे तार फिल्ड डायरेक्शन इे कहीं आगे पजिटिव चार्ज धरिया तो चार्ज यही कर्नर अच्छी फिल्ड डायरेक्शन इे ये सरफेस धरिया ये सरफेस फिल्ड डायरेक्शन इे एरिया वेक्टर इे फ्लक्स के लिंक हम फ्लक्स लिंक हम के हाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस ई डीएस भितर 90 डिग्री हम कौ क्षेत्र में पांच नंबर फेस एक नंबर फेस चार नंबर फेस पांच नंबर फेस एक नंबर फेस चार नंबर फेस रे ई आउ डीएस भितर एंगल हूँ 90 डिग्री से जीरो टोटल फ्लक्स कौट लिंक हम तर फ्लक्स लिंक फेसेस 514 इज इक्वल टू जीरो कारण ये फ्लक्स एक्चुअल लिंक कौट हम तीन नंबर दि नंबर छ नंबर तार टोटाल फ्लक्स लिंक है तीन नंबर दुई नंबर छ नंबर के क्यूआई एटी सेवेन तमें थ्री कर्नर फेस थ्री फेस ठीक है थ्री फेस ये सैडटा लिखे तो ये लिखे तुम पांच नंबर फेस एक नंबर फेस फोर नंबर फेस रे फ्लक्सटा लिंक है जीरो तार आउ क्षेत्र बाकी रहा तीन नंबर दि नंबर छ नंबर फ्लक्स लिंक थ्री फेसेस तीन दुई छ कते क्यूआई एट एफ सेवेन तार इच फेस कते हो तमाम तीन टा प्लस कते प्लस एक दुई तीन तीन टा प्लस हुए थे इच फ्लक्स कते हो इच फेस तीन नंबर दिन नंबर सिक्स नंबर फेसेस इच फेस कते हो वन बाय थ्री इंटू क्यू बाय एट एफ सेवेन क्यू बाय एटा तुम नीट तुम एंट्रेंस क्वेश्चन आसूची है लिखिदेव या आम पढ़वा गोटे जस्ट एग्जाम्पल था या पढ़वा फ्लक्स लिंक हम गोटे लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर थी गोटे प्लेन सीट थी फ्लक्स के लिंक हम बाहर ठीक अच्छे तुम्हें बर्तमान हेडिंग कर मैं के हेडिंग फ्लक्स लिंक इज
लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर. सो हमें गोटे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर रे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर चार्ज चार्ज कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर रे फ्लक्स लिंक होने फ्लक्स लिंक मैंने फिल्ड व्यवहार करवा कहीं फाइ इक्वल टू ईडीएस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस फ्लक्स जी बाहर करें इलेक्ट्रिक फिल्ड के लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड के बाहर करते ठीक अच्छे फ्लक्सटा कह दी कि आपचुअली इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहर करेंगे परीक्षा इलेक्ट्रिक फिल्ड ही आस इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर इसमें सो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर सपोज लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर सपोज द पॉजिटिव चार्ज चार्ज कंडक्टर ना पॉजिटिव चार्ज फील्ड डायरेक्शन को पढ़ पाव ए सरफेस रे इडकु इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ए सरफेस रे इडकु इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ठीक अछि ए सरफेस रे हमें यदि गोटे चूज करवा सरफेस स्मॉल सरफेस एरिया डीएस तार डायरेक्शन कोड बियर को डीएस सपोज एटा धरिबा एटा धरिबा डी एस वन ठीक अछि सिमिलरली एपोट गोटे सरफेस एरिया धरिबा यार सरफेस एरिया डायरेक्शन कोडे याडे एटा धरिबा डी एस टू सिमिति ए पटर गोटे सरफेस एरिया धरिबा यार डायरेक्शन कोडे याडे डी एस थ्री इसन आ ए सरफेस एरिया जोटा ए सरफेस एरिया से सब तो वक्र पृष्ठ तो ठीक अछि सपोज तो कंडक्टर गोटे एरिया एपट बाहर गोटे एरिया एपट बाहर आई पृष्ठर एटी जहाँ पटे से ठीक अच्छे फिल्ड डायरेक्शन जेहतु गोटे चार्ज कंडक्टर फिल्ड डायरेक्शन इे इे सब एपटर एपटर बुझे बुझे ना फिल्ड डायरेक्शन येपटर जो देख सपोज यहाँ गोटे कंडक्टरटे ये गोटे कंडक्टरटे यार फिल्ड डायरेक्शन इे एपट फिल्ड डायरेक्शन इे एपट फिल्ड डायरेक्शन इे एपट फिल्ड डायरेक्शन इे सीमें यपटे एरिया जन देखे तर एरिया डायरेक्शन इे एपट एरिया जन चूज कर छोट स्मॉल एरिया यार इे एपटे इे एपटे इे ठीक अच्छे किपटे इे एपटे इे तुम लिखिपर कनसीडर सपोज ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ हो कनसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ ए स्ट्रेट कंडक्टर देखा तो स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ एल एल हैविंग लिनियर चार्ज डेंसिटी लिनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्ब्डा लैम्ब्डा यूनिट कौन लैम्ब्डा जो क्यू आई एल कूलम पर मीटर कूलम पर मीटर ए सुन लिखिब कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ एल हैविंग लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा ए सुन देखो फ्लक्स के टोटल फ्लक्स के लिंक हो फ्लक्स गोटे या जुगु ए सरफेस जुगु ए सरफेस जुगु ए सरफेस जुगु ए सरफेस जी ए सरफेस जी आने गोटे बोली धरू गोटे एटा 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 गोटे बोली धरिया तो टोटल फ्लक्स लिंक टोटल फ्लक्स फाइव टोटल फ्लक्स कैसे बाहर टोटल फ्लक्स ये कैसे बाहर कर दिया गोटे या जुगु वन जुगु डी एस वन गोटे वन डी एस टू टू जुगु डी एस थ्री थ्री जुगु तीन जन फ्लक्स बाहर कर मान इंडिविजुअल फ्लक्स मिसेद मैंने गोटे फाइव वन बाहर करवा गोटे फाइव टू गोटे बाहर करवा गोटे फाइव थ्री बाहर कर फाइव वन टा कहा डी एस वन जुगु इंटीग्रेसन हो कि फिल्ड सामान एपटर कहीं गोटे पजिट चार्ज एपटे इ जहाँ एपटे इ से इ डायरेक्शन इे बुझे ना
तर फाइव वाट हम इंटीग्रेशन इटा कांस्टेंट समझता हूँ ई डी एस वन फाइव वन था एक एस में ई डी एस वन कॉस जीरो डिग्री ठीक है सेपरेट डाउन पर ले कुछ ये ठीक जागा था नहीं फाइव वन जागा के तरीके का लेकिन तू क्या उतरे फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री तो तो फाइव वन जागे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन कॉस जीरो बी प्लस फाइव टू पाई कितना होगा इंटीग्रेशन ई डी एस टू ई यार है डी एस वेक्टर यार है एंड ई अब डी एस की तरह एंगल कितना है 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री एंड डी एस थ्री यार है ई यार ठीक है तमने ये सब कौन जीरो जीरो तम टोटल फ्लक्स के तम इंप्लाई दैट फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन प्लस जीरो सो ई पड़े गला इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन ये सुन सो इटा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन मींस खाली एस वन मींस एस वन के एस वन होची वक्र पृष्ठ तमार क्षेत्रफल ये सुन तमने एस वन लगे कते एस वन होची एस वन ता कौन वक्र पृष्ठ माने एरिया ऑफ बेंडिंग एरिया ऑफ बेंडिंग एरिया ये सुन एस वन होची बेंडिंग एरिया और ये वक्र पृष्ठ तल क्षेत्रफल है बेंडिंग एरिया ता वैल्यू कते पूरी सिलेंडर और सिलेंडर बोले एरिया का तो वक्र पृष्ठ तल क्षेत्रफल पर ना कौन 2 पाई आर एल 2 पाई आर एल एल होची लेंथ ऑफ कंडक्टर आर होची ए जो सिलेंडर और सिलेंडर बोले देखियो ता रेडियस और 88 यानी आर ठीक ठीक है देखा जाओ नी यार ये होता यार एरिया होची ना ये रेडियस होची आर आर टा लिख दिए तोड़े रेडियस ऑफ कौन ओया और कंडक्टर ता माने एटू ई वैल्यू पाई परिम केते ई इक्वल टू सॉरी फाइव इक्वल हम कितना पाई ले फाइव इक्वल ई एस वन बदल हम लिख पाएंगे टू पाई आर एन फाइव अगर हम लिख पाएंगे क्यू आई एप्सिलॉन जीरो मैंने चार्ज हो जी क्यू और चार्ज कराई थी कंसीडर लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर लेंथ एल हैविंग इन योर चार्ज डेंसिटी हो चुका चार्ज हो ची क्यू तो नेट आउट कितना क्यू आई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई टू पाई आर एन ठीक है या परे इटा मैं पढ़ ले कुछ ठीक है एक और ई रेवल के तो वो ई इक्वल टू क्यू आई टू पाई इप्सिलॉन जीरो आर एल क्यू बदल रहे हैं लिख पेरी कौन है लैम्ब्डा में जानते हैं लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बाय एल और क्यू इक्वल टू लैम्ब्डा एल ये लिख पेरी मी लैम्ब्डा एल बाई टू पाई इप्सिलॉन जीरो आर एल एल कर ला तो इम्प्लाइड दैट ई इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई टू पाई इप्सिलॉन जीरो आर लैम्ब्डा इज देखियो लैम्ब्डा वैल्यू दे दियो कांस्टेंट टू कांस्टेंट पाई कांस्टेंट इप्सिलॉन जीरो वैल्यू 8.85 इन 10 पावर माइनस 12 कांस्टेंट किंतु आर जदि वेरी कला रेडियस जदि वेरी कला फील्ड रे वेरी करियो हम इनडायरेक्ट लिख परबा ये उठे फॉर्मूला हला एटा इनडायरेक्ट लिख परिया 1 इक्वल टू आर ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कोण क
कंडक्टर रेशियो टू कंडक्टर हला या पर बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज डेंसिटी ये सुन मैं के हेडिंग ये पूर्वपड़ा हम पढ़ितले कौन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर ठीक अछि ताजुबा में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथले पुने आगुटे बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट डेंसिटी हेटा बाहर करथले कोन रे कंडक्टर टे एबे उडा बाहर करबा प्लेन शीट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी किन बाहर रे प्लेन शीट किमते देखियो को एटा तो प्लेन शीट ठीक अछि मोर पॉजिटिव चार्ज रे पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट रो प्लेन शीट के मिटा देखियो ए बळे इटा रो प्लेन शीट एटा पतला बडा प्लेन शीट एटा मोटा देखो पतला प्लेन शीट गुटे याळे गुटे याळे तमे गुटे याळे तळे पडे धरिबा याळे गुटे धरिया मन सरफेस एरिया मन धरिया या पडरे आ गुटे पडरे ठीक अछि धरिया एटा स्मॉल एरिया एटा टोटल एरिया होगे इनफाइनाइट एरिया अछि धरिया हम चूज करिया स्मॉल एरिया ए पोटर धरिया मन करे डीएस स्मॉल एरिया डीएस 1 एटा 1 धरि ए पोटा धरिबा सपोज डीएस 2 लिसन किंतु जेहे तोरा चार्ज प्लेट तार फील्ड डायरेक्शन भी केड हो आ गोटे एड भी हो लिसन सेंस इयर भी फील्ड डायरेक्शन याड अछि फील्ड डायरेक्शन याड भी हो यदि फील्ड डायरेक्शन भी आ गया लिसन तण करे आमे लेखिबा ये ठीक के पूर्व फिगरटा करो फिगरटा करी लेखो कंसीडर कंसीडर ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ए चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट फिगर ए घर भीतर फिगर रहला इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी हैविंग सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिसन वी नो सिग्मा वैल्यू का क्या है क्यू बाई ए और जे तो डा डीएस दो तीन स्मॉल तल टोटल एरिया डा एस क्यू बाई एस भी लिख पे और क्यू वो दोनों हम कितने लिख पे जा सिग्मा एस लिसन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस लिख पे अच्छा एथरे से बाहर करे आ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे माने फ्लक्स बाहर करे फ्लक्स फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे टोटल फ्लक्स कितना हो टोटल फ्लक्स फाइव कहते हैं फाइव वन प्लस फाइव टू फाइव वन हो ची फ्लक्स लिंक इन दिस डायरेक्शन इन दिस एरिया डायरेक्शन फ्लक्स लिंक टू इट डीएस वन एरिया डीएस वन एरिया फाइव टू इज द फ्लक्स लिंक इन डीएस टू एरिया ठीक है तार फाइव टू बदल हम कहते लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस ई वेक्टर डॉट डीएस वन वेक्टर प्लस फाइव टू जगह लिख लेंगे कहते ई वेक्टर डॉट डीएस टू वेक्टर ये सुन ये और ई और डीएस वन भीतर एंगल हो जीरो डिग्री एट्टी भी सिंदी ई और डीएस टू भीतर एंगल हो जीरो डिग्री राइट लिख पेन कोण इंटीग्रेशन ई डी एस 1 cos 0 डिग्री प्लस एटा इंटीग्रेशन ई डी एस 2 cos 0 ये सुन सो केत बारिबो एटी बारिबो ई डी एस 1 प्लस सिमिलरली एटी बारिबो
ds2 लिसन बट हियर देखो हमरो ds1 ds2 जेतु हमें उठे ए सरफेस एरिया ds1 किन मैग्नीट्यूड ऑफ ds1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds2 हमें ds1 ds2 टा एकावली धरिबा तामने ds1 इज इक्वल टू ds2 धरिबा किंतु phi1 टा डान पोटे साइड एरिया समान समान एरिया को धरिबा किंतु क्रॉस गुटे 1 2 धरिबा कोन phi1 टा होची डान पोटे साइड क्रॉस लिंक phi2 टा होची बा पोटे क्रॉस लिंक बा पोटे ना धरची 2 डान पोटे ना धरची 1 किंतु सेम एरिया ठीक है समय टा हम केते धरि परि लाइक पेन e ds 1 प्लस e इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अच्छी e इंटीग्रेशन e ds 1 ठीक है अने एटा हो e ds एटा लिख परि कोनो e इंटीग्रेशन ऑफ ds 1 प्लस e इंटीग्रेशन ऑफ ds 1 ताले एटा लिख परि कोनो टोटल फ्लक्स इंप्लाय दैट phi is equal to e s 1 प्लस e ठीक है तल हमें जानते हैं ड्यू टू गॉस लॉ तल phi इक्वल कितना था 2 es ड्यू टू गॉस लॉ लिखियो इन की परीक्षा रे ड्यू टू गॉस लॉ q by epsilon 0 इंप्लाय दैट इक्वल 2 e s 1 ठीक है ताले इंप्लाय दैट e इक्वल कितना होगा q by 2 epsilon 0 s 1 q by 2 epsilon 0 s 1 इस अनु आप रे तब रेटा इस करियो कौनो e is equal to q जार के तरीके बा इलेक्ट्रिक सिग्मा a और s s और s और s1 एटी हमें s1 धर जी टोटल का और q s1 by 2 epsilon 0 कहते s1 s1 नो s1 s1 कटिया ला e is equal कहते sigma by 2 epsilon देखो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर रे फील्ड टा डिपेंड करतला ता रेडियस ऊपर बट एठी हमरो प्लेन चार्ज शीट रो ता थिकनेस ऊपर ता एरिया ऊपर टोटल डिपेंड करूना ता माने हेटी रेडियस ऊपर डिपेंड करतला एठी रेडियस ऊपर डिपेंड करतला एठी एरिया ऊपर इंडिपेंडेंट बट डिपेंड करूना ता माने एठी हमें कोन इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged infinite plane sheet is independent upon area of the plane sheet yes on kahi ki na ta formula bitare s1 ta ro nai e is equal to sigma by 2 epsilon hela eta hoji kon electric field due to uniformly charged infinite plane sheet ya pare ude electric field bahar kariba ude charge sphere hela ad to time hechi next class re hum padiba thik achi Thank you.